दरअसल शामली निवासी 35 वर्षीय नीरज पावर 23वीं वाहिनी पीएससी में कांस्टेबल के पद पर तैनात था। नीरज की ड्यूटी संतरी में थी। रात करीब 11:30 बजे नीरज ने सरकारी राइफल से खुद को सीने में गोली मार दी। गोली की आवाज से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचे साथी जवानों ने घटना की जानकारी अफसरों को दी और नीरज को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। गंभीर हालात के कारण नीरज को जिला अस्पताल से कॉस्मोस रेफर कर दिया गया। कॉस्मोस में इलाज के दौरान नीरज की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे अफसरों ने घटना की जानकारी नीरज के परिवार को दी। सूचना मिलने के बाद नीरज के परिजन मौके पर पहुंचे। नीरज के भाई का कहना है कि नीरज इतना कायर नहीं था कि वो आत्महत्या कर ले। ये एक हादसा है। कौन आपके? मेरा छोटा भाई है। अच्छा, क्या जानकारी मिली घटना के बारे में? घटना के बारे में तो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं हो पाई। ये कहाँ पर तैनात है? ये 23 बटालियन पीएसी मुरादाबाद। फिर क्या जानकारी मिली घटना के बारे में? कहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे? क्या ड्यूटी हुआ? वाटर गार्ड। तो फिर क्या हुआ वहाँ पर? और इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं है। सुसाइड करा क्या किया है? नहीं, सुसाइड तो कर ही नहीं सकता, कायर नहीं था। तो आपको क्या लगता है, आप घटनास्थल पर गए, आपको क्या लगता है? नहीं, हम घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। नहीं गए? आप कोई अधिकारियों से बात हुई होगी, उन्होंने क्या बताया? अधिकारी तो यही बोल रहे थे कि आवाज आई तो उधर स्टाफ दौड़ा उठा करके एकदम अस्पताल ले गए। गोली कहाँ लगी? गोली उनको यहाँ पर। अच्छा, गोली सरकारी असल में लगी है? हाँ, सरकारी असल। कौन सा असल है? हमें तो जैसा बताया गया कि इंसास राइफल थी। तो क्या मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या कहा जा सकता है, हमें तो हादसा महसूस दे रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई इसके साथ हादसा हो जाए। मौके की सूचना के बाद डीआईजी ओमकार सिंह के साथ साथ अन्य अफसर भी मौके पर पहुंचे। और 23वीं वाहिनी में तैनात सीओ राजपाल सिंह का कहना है कि मौत के कारणों की अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। क्या सुसाइड से लगभग गोली भी है? क्या गोली है क्या सुसाइड है? क्या नहीं, गोली लगी हुई। क्यों मारी उन्होंने अपने आप को गोली? क्या किसी को पता होगा हमको? क्या इसके कोई कारण नहीं पता चला। अच्छा, वो जिस समय ड्यूटी पे थे, क्या ड्यूटी पे थे? हाँ, ड्यूटी पे। अच्छा, क्या ड्यूटी थी उनकी? वाटर गार्ड पे ड्यूटी थी सर। अच्छा, घटना की वजह साफ नहीं हो पाई? क्या वजह? बताया भी नहीं ना, ऐसी कोई टेंशन भी नहीं थी। पीएम वो कराया है उसको? कराया जा रहा, पीएम हो रहा। रेड गोली पहुंच गई है, पीएम हो रहा। अच्छा, किस वक्त की घटना है ये? करीब है 11:20 के आसपास की है। क्या वजह रही, क्या कारण, कुछ समझ? कारण समझ नहीं पा रहा। जानकारी भी आई नहीं।